हाल ही में पाकिस्तान में फरोख्त होने वाला बूस्टन नामी इंजेक्शन, जिसकी तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये केमिकल इंसानों और बच्चों में कैंसर पैदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा दूध हासिल करने के लालच में भैंसों को बूस्टन इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बच्चे उन्हीं भैंसों का दूध पीते हैं। ज्यादा दूध हासिल करने के लालच में भैंसों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिनसे उन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हो रहा है। भैंस कैंसर से मर भी रही है और कैंसर ज्यादा भैंसों का दूध फरोख्त किया जा रहा है, जो ज्यादातर बच्चों को पिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इनकशफात CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और डिप्टी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुसूबाई राबते के इजलास में किए। CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान डॉक्टर असलम अफगानी ने बताया, जानवर की बहुत सी गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी अद्वियात मार्केट में दस्तियाब है और इन सब पर पाबंदी आयद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बूस्टन के इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद की है, लेकिन अफसोस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के बावजूद कुछ ताकतवर और खतरनाक लोग इस बूस्टन इंजेक्शन को साउथ अफ्रीका से MSD कंपनी से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में स्मगल कर रहे हैं। इस बूस्टन इंजेक्शन को लांडी भैंस कॉलोनी के अंदर 3,500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। लांडी भैंस कॉलोनी के हर बाड़े में ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है और दोबारा से भैंसों के दूध के जरिए इंसानी जानों और बच्चों में जहर तकसीम किया जा रहा है। बका न्यूज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG सिंध और SSP मलिर से अपील करती है कि इसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम को फौरी यकीनी बनाए और मुलविस लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाए।